हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉर एवर हो गया है। वीडियो उसी तरीके से आएगी, बस नाम चेंज हो गया और बल्कि और फाइन वे से आपको वीडियो मिलती हुई नजर आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की डेट में, जैसे रिजल्ट का सिलसिला चालू हुआ और आज की डेट में भी काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, तो 5 कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। और भी बहुत सारी कंपनी है जिनके रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, तो अगर आएंगे तो कल की डेट में हम उनसे रिलेटेड भी बात कर लेंगे। और बात करें यहाँ पर आज की डेट की, तो आज के दिन में शेयर में स्टॉक मार्केट गिरा था, उसके बीच उससे रिलेटेड कुछ न्यूज थी वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बात करें यहाँ पर 2-4 शेयर से रिलेटेड अलग एक वीडियो, एक शेयर से रिलेटेड अलग एक वीडियो, अडानी पोर्ट से रिलेटेड भी यहाँ पर वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर दिया, तो इन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हो तो यहाँ पर इन वीडियोज को देख के आप रिजल्ट देखना सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर है ये भी देख सकते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक किस तरीके से चूज किए जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कराना है क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। और दूसरे लोगों के साथ हमारे चैनल को भी शेयर करें, उन्हें बताएं वीडियो से लेडी, ताकि वो भी सीखे और इंडियन मार्केट में आए। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले है इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय लिमिटेड, ये कंपनी के रिजल्ट आज के दिन में आते हुए दिखाई दिए। 7 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, एज वेल एज अगर बात करें इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है। यहाँ पर बात करें टोटल इनकम की, तो 587 करोड़ रुपीस का ये इस बार के रिजल्ट है, ये Q3 के इसी ईयर के रिजल्ट है, Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। एक टोटल इनकम देखिए 587 करोड़ के इनकम है, इससे पहले 430 था, इससे पहले 380, तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है। एक्सपेंस की बात करें, टोटल एक्सपेंस 490 करोड़ का हुआ, इससे पहले 395 करोड़ था, इससे पहले 445 करोड़ था, तो एक्सपेंस भी क्वार्टरली ईयरली बेस पर बढ़ते हुए नजर आया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार 65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इससे पहले 32 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले तो कंपनी नेगेटिव में थी, 52 करोड़ का लॉस था। तो बात करें ईयरली क्वार्टरली बेस पर यहाँ पर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए यहाँ पर 7 रुपए का डिविडेंड और आज के दिन में शेयर भागता हुआ भी दिखाई दिया था। 24 रुपए का ईपीएस इस बार का, इससे पहले 12 का था, इससे पहले 19 रुपए का नेगेटिव में यहां पर ईपीएस था। तो इंडियन मेटल की तरफ ध्यान दीजिएगा, काफी बेहतरीन यहां पर रिजल्ट पेश करे। बात कर लेते हैं गेल की, तो गैस अथॉरिटी यहाँ पर ये अपना शेयर है, काफी बेहतरीन सेल भेल गेल, ये यहाँ पर कंपनी के नाम से जाने भी जाते हैं शेयर। बात करें इसके रिजल्ट से रिलेटेड, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर डिविडेंड दिया गया, और डिविडेंड दिया गया होगा तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में डेफिनेटली बता दीजिएगा। हम सीधे यहाँ पर रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, इन करोड़ में ही यहाँ पर रिजल्ट है। अगर यहाँ पर देखिए इस बार के रिजल्ट है Q3 है Q4 के सेम मैनर से। अगर बात करें टोटल इनकम की, तो 16,117 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल इनकम इस बार की, इससे पहले 15,923 था, इससे पहले 18,268 करोड़ था। तो ईयरली वाइज यहाँ पर गिरावट है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर जंप है यहाँ पर टोटल इनकम में। एक्सपेंस की बात करें, 13,505 करोड़ के एक्सपेंस इस बार के हुए, इससे पहले 14,000 करोड़ के थे, इससे पहले 15,712 करोड़ रुपए के एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस की बात करें ईयरली बेस पर एक्सपेंस कम हुए, क्वार्टरली बेस पर भी एक्सपेंस कम होते हुए नजर आए, जो काफी अच्छी बात है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हुआ है 1907 करोड़ का हुआ है, इससे पहले 1487 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 3000 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पर बात करें ईयरली बेस पे भी यहाँ पर गिरावट है, बट क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए। एंड इट इज जस्ट बिकॉज यहाँ पर अगर यहाँ पर देखे तो टैक्सेस वगैरह भी कुछ ज्यादा लगते हुए नजर आए हैं, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट कम होता हुआ भी दिखाई दिया है। बट ईयरली बेस में यहाँ पर गिरावट है, इस वजह से यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर मुनाफा वसूल करते हुए लोग नजर आए थे, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई थी। 4.24 रुपए का ईपीएस इस बार का है, इससे पहले 3.30 रुपए का ईपीएस था, और इससे पहले 6 रुपए का ईपीएस था। तो ईयरली वाइज यहाँ पर गिरावट है, बट क्वार्टरली वाइज अच्छे खासे यहाँ पर परफॉर्म किया है गेल ने, तो इसकी तरफ भी नजर बना के रखिएगा। डायनामिक केबल लिमिटेड, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस ये भी एक कंपनी यहाँ पर नजर आती है, हमने इससे पहले कोई फंडामेंटल एनालिसिस शेयर से रिलेटेड नहीं करी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस शेयर में नीचे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और देखते हैं अपन के रिजल्ट्स, तो इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, ये इस बार के रिजल्ट है, Q3 के है, Q4 के रिजल्ट लास्ट ईयर के नहीं दे रखे। आई थिंक यहाँ पर इनको रिजल्ट पेश नहीं किए होंगे, या तो फिर लॉस में कंपनी गई होगी, इस वजह से रिजल्ट नहीं दिखाए होंगे। टोटल रिवेन्यू की बात करें 13,990 करोड़ के आसपास का यहाँ पर टोटल रिवेन्यू है, इससे पहले इससे बात करें 8,870 करोड़ के आसपास का लैक्स एंड रुपीज में टोटल रिवेन्यू था। तो रिवेन्यू क्वार्टरली वाइज यहाँ बढ़ा है। एक्सपेंस की भी अगर बात करें,
तो यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी रिजल्ट दे रखे हैं, बट ये ईयरली वाइज है। अगर बात करें यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की, तो 13,261 लाख रुपीज के यहाँ पर एक्सपेंस हुए इस बार, इससे पहले 8,837 लाख रुपीज के थे। तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 534 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 19 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली बेस की बात करें, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, ये इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी ईयरली बेस पर भी हम एक बार देख लेते हैं, तो ईयरली बेस में यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में यहाँ पर गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी कम होते हुए दिखाई दी है। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो प्रॉफिट हाफ ही होता हुआ नजर आया है, मतलब प्रॉफिट में यहाँ पर काफी गिरावट हमें हाफ नजर आ रही है। तो ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो डायनामिक केवल इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर ये बात की जाए फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ही कंपनी है। इनके जो इंद्रप्रस्थ मतलब जो स्टोर होते हैं, ओके, मेडिसिन बेचने के, तो वही यहाँ पर ये दिखाई देता है, ये हॉस्पिटल में ही दिखाई देते हैं मोस्टली। यहाँ पर बात करें इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 19,082 मिलियन रुपीज है, इससे पहले 18,001 मिलियन सॉरी 1801 मिलियन रुपीज था, इससे पहले 2,006 मिलियन रुपीज का यहाँ पर टोटल इनकम थी। तो ईयरली बेस पे यहाँ पर टोटल इनकम में गिरावट है, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस की बात करें तो इस बार का एक्सपेंस 1774 मिलियन रुपीज है, इससे पहले 1632 था, इससे पहले 1924। तो एक्सपेंस यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट क्वार्टरली ईयरली बेस में यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की आफ्टर टैक्स, अगर बात करें 150 मिलियन रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 119, इससे पहले 64। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ईयरली वाइज एज वेल एज क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, इसकी वजह से शेयर भाग भी रहा है और कल की डेट में और भागता हुआ नजर आएगा। 1.65 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 1.31 रुपए, इससे पहले 71 पैसे का ईपीएस था। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इंद्रप्रस्थ मेडिकल। शिवम ऑटो टैक यहाँ पर एक और कंपनी नजर आती है, और यहाँ पर इसके अगर बात करते हैं, यहाँ पर आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कोई डिविडेंड दिया होगा, दिया होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ पर इनके रिजल्ट देख लेते हैं, तो इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 16,309 लैक्स रुपीज का यहाँ पर टोटल इनकम है, इससे पहले इस क्वार्टर में 15,595 था, इससे पहले 11,490 लैक्स रुपीज का यहाँ पर इनकम थी। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज टोटल इनकम में भी जंप है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस यहाँ देख सकते हैं 15,698, इससे पहले 15,097, इससे पहले 13,885। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। और बात करते हैं टैक्स देने के बाद जो पैसे बचते हैं, प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो कंपनी को यहाँ पर 508 लाख रुपीज का घाटा हुआ है। इससे पहले कंपनी प्रॉफिट में थी 1191 करोड़ लाख रुपीज, इससे पहले 1316 लाख रुपीज का घाटा था। कंपनी का ईयरली वाइज यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है, घाटे में ही है बट परफॉर्म अच्छा किया है। क्वार्टरली वाइज तो कंपनी यहाँ पर और ज्यादा लॉस में आ गई है। तो ईपीएस भी आपको बता देगा, लास्ट ईयर और इस बार का ईपीएस नेगेटिव में, इससे पहले 1.19 रुपए का पॉजिटिव में ईपीएस था। तो यहाँ पर इस कंपनी को ध्यान में रखिएगा। बाकी एक आधी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश करे, बाकी सारी कंपनी के रिजल्ट बेकार है। इंद्रप्रस्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा, कल की डेट में भागता हुआ नजर आ सकता है। बाकी इंडियन मेटल की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो ये कंपनी के रिजल्ट थे, बाटा के रिजल्ट आए नहीं, अदरवाइज उसके भी रिजल्ट देख लेते, एक मिनट दीजिए देख लेते एक बार, अगर बाटा के रिजल्ट आए होंगे अभी तो हम एक बार बाटा के रिजल्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, अदरवाइज देख लेते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरीके की वीडियो मिलती है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।